अच्छा मेरी साधना आज इतनी बड़ी चोट हो गई तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गई थी किसी की दवाई लेने के लिए। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़, अच्छा ये स्टोरी आप तभी देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं डम हूँ और मैं कितनी डम हूँ। तो पहले तो मैंने अपनी दवाइयाँ निकलवा ली और फिर उन्होंने बिलिंग काउंटर वाले भैया को दे दिया। तो मुझे लगा कि दीज गाइज मस्ट हैव कोऑर्डिनेटेड, और उन लोग को भी कैसे लगता है ना कोई सर पे खड़ा होता है, हमारा पहले कर दो हमारा पहले कर दो। तो आई पेशेंटली वेटिंग, मैं वहाँ 10-15-20 मिनट खड़ी रही और मैंने एक दो लोगों को अपने आगे में जाने दिया कि मुझे लगा कि यार ये लोग तो मरीज हैं, आए तो कैन वेट इतना तो यू नो जवान खून। तो पहले मैं वेट करती रही, फिर मैंने फाइनली पूछा, मैंने कहा मेरा भैया तो बोलते हैं कब से तो बुला रहा हूँ, और वो नहीं बुला रहा था। ठीक है ये चीज़ हो गई। फिर मेन मुद्दा, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, तो बताता है ऐसे खाना ऐसे खाना। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं लेके जा रही हूँ, तो आप वो ऐसे पैकेट्स में कर देंगे क्या कि सुबह दोपहर शाम? तो कहते नहीं हम वैसे नहीं करते। तो उसने ऐसे लिख दिया कि एक नाइट ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने 1N लिखा, फिर लिखता है 1M। तो मैंने कहा ये दिन की है एम वाला? तो कहते नहीं मॉर्निंग। तो वो तो नहीं हंसा, लेकिन बाजू वाला उसने ऐसे आंखें घुमाई और मुझ पे हंसा कि मैंने एम को मॉर्निंग नहीं समझा। अब आप लोग इससे पहले मुझे जज करें, आप लोग मेरा लॉजिक समझें कि एम को मैंने सोचा मिडिल ऑफ द डे है ना, तो एम मॉर्निंग भी हो सकता है, बट उसने जब कोई नहीं देख रहा ठीक है, फिर वो मुझे देख के इतना हंसा और फिर मैंने बोला, मैंने भी जवाब, मैंने कहा ठीक है यार होता है। तो इस स्टोरी का, इस वीडियो का सिर्फ ये उद्देश्य है कि कोई कितना भी हीरो बन जाए इंस्टाग्राम पे ज्ञान पे ले, यू नो ऑल दिस पढ़ाई लिखाई पूरी सांसारिक चीज़ें, और अगर आपको ये नहीं पता है कि दवाइयों पे एम का मतलब मॉर्निंग होता है तो ठीक है। मुझे अगर कोई इंसान यहाँ तक ये स्टोरी को देख रहा है तो आप मेरे जिगरी दोस्त हैं, और मतलब मैं बनती बहुत हीरो हूँ लेकिन मैं हूँ बहुत नाइव। ठीक है हो गया, मतलब मेरा मैं अभी तक वही सोच रही हूँ कि यार वो मुझ पे हंसा, एम मिडिल ऑफ द डे होता है यार। खैर छोड़ो,